नमस्ते सभी को। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते तो सभी सभी साथियों, को। आज हम लोग फिफ्थ डे पर हैं इस मॉर्निंग सेशन के, और हम लोगों ने इस मॉर्निंग सेशन की जो चर्चा थी उसको सुख के बारे में जो चर्चा है वहां से शुरू किया था। हम सभी लोग अंतर्गत जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका लक्ष्य तो सुखी होना है। इस बात को जांचने की कोशिश की है शुरू में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य सुखी होना ही है या कुछ और भी। हम लोगों ने सुख से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात किया था कि हम कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या निरंतर सुखी होना चाहते हैं, उसको भी जांच लें। ये भी जांच लें कि ये जो हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं वो सुख को समझकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं या बिना सुख को समझे ही सुखी होने के प्रयास में लगे। ये भी चर्चा किया था हम लोगों ने कि हमको क्या लगता है कि हम कुछ करके सुखी होंगे या सुखी होकर कुछ कर सकते हैं, इस मुद्दे पर भी बात किया था। और इन सभी को मिला करके हम लोगों ने एक सवाल ये चर्चा में रखा था कि सुख हमारे लिए स्वभाव है या प्रभाव है। स्वभाव का मतलब है कि जो भी हमको सहज भाव है उनको समझ में आ जाए, उनको हम अपने में सुनिश्चित कर लें, ये हमारे सुख का स्रोत है। या बाहर से अनुकूल संवेदनाएं पाकर, बाहर से अनुकूल भाव पाकर हम हमारे आस्वादन से वो मैच हो जाए तो वो हमारे लिए सुख का स्रोत है। फिर ये भी चर्चा हुआ था कि कौन से सुख के स्रोत से निरंतर सुख की संभावना हो सकती है। प्रभाव के जो सोर्सेज है उससे या हमारे भीतर जो सहज स्वीकृत भाव है उससे, उस पर भी चर्चा किए थे हम लोग। उससे जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास भी किया हम लोगों ने कि हम लोग थोड़ी देर बैठकर अपने पर ध्यान दें बिना किसी मोबाइल, लैपटॉप, अखबार या किसी अन्य चीज का सहारा लिए। हम आधा घंटा, एक घंटा अपने साथ बैठे और देखें कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारी क्या स्थिति है, हम आराम में है या बेचैन है। इस पर बहुत सारे साथी लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग रखी है, कुछ लोगों की शेयरिंग आज भी होगी। फिर हम लोगों ने स्वभाव और प्रभाव से सुख का क्या आशय है उस पर थोड़ी डिटेल चर्चा किया था कि प्रभाव से सुखी होने के देखें तो दो मुख्य तरीके हैं। ये जो हमारी अनुकूल संवेदनाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो कुछ भी हमको संवेदनाएं मिल रही है सुविधाओं के माध्यम से, हम अगर वो हमारे आस्वादन से मैच करती हैं तो हमको सुख जैसा लगता है। एक ये स्रोत है। तो टेम्परेचर कमरे का अनुकूल हो जाए हमारे अपेक्षा अनुरूप, जो हम खाना चाहते हैं उसमें नमक हमारे अपेक्षा अनुरूप आस्वादन अनुरूप हो, तो इस तरह से जो हमारी प्रिय संवेदनाएं हैं वो हमको मिलती रहे, ये हमारे लिए सुख का स्रोत है जिस पर आज हम प्राइमा फेसी बहुत डिपेंड करते हैं। हर एक व्यक्ति डिपेंड करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम कितना डिपेंड करते हैं उसको जांचने की बात। साथ ही साथ अनुकूल भाव के आस्वादन से भी सुखी होने का जो प्रयास है, इसमें वो लोग जो हमको सही भाव देते रहते हैं हम उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ समय लगाते रहते हैं, ऐसे लोग जो हमको अनुकूल भाव नहीं देते हम उनसे दूर भागते रहते हैं, या कुछ ऐसा कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं जिससे लोगों का अनुकूल भाव मिलता रहे, तो एक ये दूसरा स्रोत था। तो ये दो प्रमुख स्रोतों से जो कि बाहरी स्रोत है इससे जो सुखी होने का प्रभाव प्रयास कर रहे हैं, ये प्रभाव से सुखी होने का प्रयास है। इस अर्थ में हमको बाहर की चीजों पर ही ध्यान देना पड़ता है, बाहर बहुत सारा कार्य करना पड़ता है सुविधाओं के लिए, सुविधाओं पर या आदमी के साथ, ताकि हमको ये अनुकूल भाव और अनुकूल संवेदनाएं मिलती रहे। इस पर अपने पर ध्यान नहीं जाता, हम अपने पर कुछ काम करने के लिए निष्कर्ष नहीं बना पाते, प्रयास नहीं कर पाते। एक तीसरा स्रोत भी हमारे भीतर है, स्वभाव से सुखी होना, अर्थात जो भी सहज स्वीकृत भाव है वो हमको समझ में आ जाए, वैसा हमारा भाव सुनिश्चित हो जाए। तो इसमें देखेंगे तो हमारी निर्भरता बाहर की वस्तुओं पर या दूसरे व्यक्ति पर नहीं है, पूरी तरह से हम पर है, हमारी समझ पर है,
तो जितना जितना हम इस पर ध्यान दे पाते हैं उतना उतना ये हमारे सुख के लिए स्थायी स्रोत के रूप में और निरंतर सुख की संभावना के रूप में हमको दिखने लगता है। तो ये स्वभाव से सुखी होने का क्या आशय है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अपने भीतर सुनिश्चित करेंगे? एक बार इसकी संभावना दिखने लगे, इसकी आवश्यकता बन जाए, तो हम लोग स्वयं पर काम करना आगे चल के कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे, स्वयं में सहस्वीकृत भावों को देख सके और धीरे धीरे अभ्यास करके उसको अपने में सुनिश्चित कर सके और ये मूल्यांकित करके देख सके कि उस प्रक्रिया में हम सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। ये सारा काम हम लोग आगे आने वाले समय में विधिवत स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर इससे जुड़ा हुआ है अभ्यास लोगों किया है, पिछले अभ्यास में तो बैठ करके देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम आराम में हैं या बेचैन, उसी अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाए थे कि हम कोई भी काम करते हुए चलते फिरते हुए भी ध्यान दें कि हम उस समय आराम में हैं या बेचैन, सुखी हैं या दुखी, और इसका जो भी निष्कर्ष बनता है हम उसको अपने नोटबुक में लिख लें। तो आप लोगों ने इस अभ्यास को भी किया था, कुछ लोगों ने इसको साझा किया था, बाकी लोगों को सकता है आज साझा करें। फिर हम लोग इस पर भी चर्चा किए कि सही समझ की प्रक्रिया क्या है, तो उस पर ये बात हुई कि स्वयं में जांच करना सेल्फ एक्सप्लोरेशन है सही समझ के लिए प्रक्रिया। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। ये जो कुछ भी हमसे कहा जा रहा है वो हमारे लिए एक प्रस्ताव है, हम इसको माने नहीं बल्कि जांचे, और जांच भी अपने अधिकार पर और लोगों से पूछने के बजाय। अपने अधिकार पर जांच का क्या आशय है कि हम हमारी जो भी प्रस्ताव है वो हमको सहज स्वीकार है या नहीं, तो अपने से ही पूछें कि ये जो प्रस्ताव है ये हमको सहज स्वीकार है या। अगर सहज स्वीकार लगता है तो जांच के दूसरे भाग में पहुंचेंगे और उस प्रस्ताव को जी कर देखेंगे। जी कर देखने जाएंगे तो जीने के दो भाग हैं, मानव के साथ व्यवहार में, शेष प्रकृति के साथ कार्य। अगर प्रस्ताव सही है, हमारे सहज स्वीकृति के आधार पर हमको सही लगता है, और जब हम व्यवहार में मानव के साथ जीने जाते हैं तो उभय सुख की उपलब्धि होती है। उभय सुख का मतलब मैं भी सुखी होता हूँ, दूसरा भी सुखी होता है जिसके साथ मैं उस प्रस्ताव को जी रहा हूँ। कार्य से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है और वो मेरे सहज स्वीकार भी है, तो मैं जब भी शेष प्रकृति के साथ जीता हूँ मैं भी समृद्ध होता हूँ और शेष प्रकृति भी समृद्ध होती है। तो किसी भी प्रस्ताव के लिए जब मैं ये दो जांचें कर पाता हूँ, एक तो वो मुझे सहज स्वीकार भी है और जीने में उभय सुख और उभय समृद्धि भी हो रही है, तो वही प्रस्ताव मुझे अपने में समझ के रूप में दिखाई दे देता है, ये मेरे के लिए सही है, यही मेरे समझ का भाग। तो उदाहरण के रूप में देखें तो इस संबंध में सम्मान का भाव मुझे सहज स्वीकार है या अपमान का भाव सहज स्वीकार, इसको जांच के अपने भीतर देख सकते हैं हम कि दोनों में से कौन सा भाव मुझे सहज स्वीकार। इसका उत्तर भीतर से ही मिलता है, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि संबंध में सम्मान का भाव सहज स्वीकार है कि अपमान का भाव सहज स्वीकार। एक बार आप अपने आप से पूछिए तो स्वतः ही उत्तर मिलता है। तो आप सबको कुछ उत्तर मिल ही रहा होगा इस प्रश्न को पूछने से, अभी तक तो हमने जितनी बार लोगों से इस प्रश्न को पूछा है यही उत्तर आया है कि सम्मान का भाव ही सहज स्वीकार। अब ये सम्मान का भाव किसी मानव के साथ व्यक्त करके जी करके देखिए कि जीते हुए भी आप सुखी हो रहे हैं क्या। तो आप देखते हैं जब भी आप में सम्मान का भाव होता है और आप उसको बाहर व्यक्त कर रहे होते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप आराम महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, और जिसके साथ व्यक्त कर रहे होते हैं वो भी आराम महसूस करता है, वो भी सुखी महसूस करता है, इसी को उभय सुख का। वहीं पर अगर सम्मान की जगह अपमान के भाव को आप अपने भीतर चला रहे होते हैं तो आप बेचैन महसूस करते हैं, और जब उस अपमान के भाव को बाहर दूसरे के लिए व्यक्त करते हैं तो दूसरा भी बेचैन होता है, तो ये उभय सुख नहीं होता और ना ही अपमान का भाव आपको अपने सहज स्वीकार दिखाई देता है। तो इसी तरह से अन्य बातों को भी आप अपने भीतर जांच के देख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे थोड़ा और एक प्रस्ताव को मैं देता हूं
कि हमको क्या सहज स्वीकार है। सिर्फ बड़ों का सम्मान करना सहज स्वीकार है या सभी का सम्मान करना सहज स्वीकार है? इसको जांचिए और जांच कर देखिए कि क्या उत्तर आ रहा है। एक उत्तर आ सकता है कि बड़ों का सम्मान करना सहज स्वीकार है। जब भी हम बड़ों के बारे के सम्मान के बारे ही सोचते हैं, छोटे हमको छोटे का जब ध्यान आता है, छोटों के साथ जब जीने का सोचते हैं, तो अपने भीतर एक बेचैनी होती है। क्योंकि आप जांच के देखेंगे तो दिखाई देता है कि सम्मान सिर्फ बड़ों का ही सहज स्वीकार नहीं था, सम्मान तो सभी का सहज स्वीकार। जैसे ही सभी के प्रति सम्मान के भाव सहज स्वीकार है, ऐसा आप अपने भीतर देख पाते हैं और उसको सुनिश्चित कर पाते हैं, एक आराम महसूस होता है। और जब उस व्यवहार को आप छोटे बड़े सभी के साथ व्यक्त करते हैं, तो दोनों के साथ उभय सुख महसूस कर पाते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को जांच कर चलाकर अपने भीतर देख सकते हैं, समझ की ये जो प्रक्रिया है स्वयं में जांच की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, ये आपके लिए काम कर रही है कि नहीं। हम लोग इस 4 महीने के इस प्रोजेक्ट में जो साथ साथ कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन का, उसमें जितनी भी बातें उस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करेंगे, हम लोग इसी प्रक्रिया से हर एक बात को जांचने की कोशिश करेंगे और फिर जीने में, व्यवहार में और कार्य में जांचने की कोशिश करेंगे। और उससे जो भी निष्कर्ष बन रहे होंगे, आप लोगों से अपेक्षा होगी कि आप उसे अपनी कॉपी में लिख लें और समय समय पर उस पर हम लोग सत्रों में चर्चा कर सके। ये बात हुई थी पिछले दिन, सही समझ की जांच की प्रक्रिया को लेकर। ये अभ्यास कल दिया गया था, इस पर लौट के मैं आता हूं। कल हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि सुख के बारे में पिछले 4 दिन से बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न सहज ही अपने भीतर बनने लगता है कि ये सुख है क्या, और ये जो भी सुख है उसका मतलब मेरे लिए हमेशा एक जैसा रहता है या समय समय पर बदलता रहता है? मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख का मतलब एक जैसा रहता है या समय समय पर बदलता रहता है? तो कई बार परिवार के सदस्य भी सुख का मतलब अलग अलग कई बार माने रहते हैं, और उससे ज्यादा मुश्किल तो तब होती है जब हम अपने में जांच करके सुख का क्या मतलब है मेरे लिए उसको देखने जाते हैं। तो आज से 5 साल पहले सुख हमको किसी और चीज में दिखता था, आज किसी और चीज में, 2 साल पहले किसी और चीज में। दिन भर में ही देखें तो सुख क्या है उसका मतलब कई बार हमको अपने में बदलता हुआ दिखता है। अगर हमारे में ही सुख का मतलब बार बार बदलता है, तो हम सुखी होने का कभी भी कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं बना पाते। हमेशा एक भगदड़ हमारे भीतर बनी रहती है, वो हमारे विचारों में भी दिखती है और हमारे कार्य व्यवहार में भी दिखती है। जितना सुख का मतलब हमारे भीतर फ्लक्चुएट होता है, उतना ही हमारा सुख पाने के तरीके अलग अलग ढंग से ढूंढने में हमारी व्यस्तता बढ़ जाती है, और हम बहुत ही जिगजैग विचार, बहुत ही हड़बड़ी भरे विचार व्यवहार अपने भीतर देख पाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख का मतलब अलग अलग है, तो हर सदस्य अपने लिए सुख का अपने अपने ढंग से प्रयास करता है, तो परिवार कभी भी एक कॉमन धरातल पे आ ही नहीं पाता। एक व्यक्ति को लगता है सुख कहीं और है, दूसरे को लगता है सुख कहीं और है, कभी भी परिवार एक ढंग से हारमोनियस तरीके से चल ही नहीं पाता है और एक विरोध बना रहता है। इसलिए परिवारों में भी बहुत सारे जो विरोध है उसका एक मूल कारण है कि परिवार के सभी सदस्यों ने मिल बैठ कर अपने भीतर ये जांच नहीं किया है कि उनके लिए सुख का एग्जैक्टली क्या मतलब है, और सभी सदस्यों के लिए वो सुख एक ही जैसा है या अलग अलग। इसलिए मेरे को तो ये लगता है कि ये आदमी की जिंदगी का सबसे फंडामेंटल इश्यू है, जिसको सॉर्ट आउट करना जिंदगी का पहला काम है। अपने लिए ये तय करना कि मेरे लिए सुख का क्या मतलब है, और वो निश्चित है या समय के साथ बदलता ही रहे। ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल दूसरा काम है कि परिवार में मुझे मैक्सिमम समय जीना है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों का सुख का मतलब क्या है, और वो एक ही जैसा रहेगा या समय के साथ बदलता रहेगा। इन सभी फंडामेंटल इश्यूज को अपने भीतर जांच कर निश्चित कर लेना, फिक्स कर लेना सबसे प्राइमरी काम होता है। इसी संदर्भ में मैंने सुख की एक परिभाषा आप लोगों के साथ पिछले सत्र सेशन में परिभाषित किया था।
कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही, स्वीकृति के भाव में होना ही सुख है। और इस पूरे को समराइज करके एक लाइन में लिखा था कि हार्मनी में, व्यवस्था में होना ही सुख है। तो यह सुख की एक परिभाषा रखी थी। आप जांच के देखिए कि आपके लिए सुख का जो भी मतलब है वो इसमें शामिल है या नहीं, ये परिभाषा आपके लिए सहज स्वीकार है या नहीं, ये सही है या नहीं आपके लिए। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने दुख के बारे में भी कल बात किया था कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता। इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना पड़े, यही दुख है। मैं फिर एक बार इसको रिपीट करूंगा कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता। इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख। और इस पूरी बात को अगर एक लाइन में समराइज करें तो ये कह रहे हैं कि अंतर विरोध में, अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। कंट्राडिक्शन में, डिसहार्मनी में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। दोनों परिभाषाओं को एक एक शब्दों में अगर परिभाषित करें तो ये कहेंगे हार्मनी बराबर सुख, डिसहार्मनी बराबर दुख। इतनी बात हम लोगों ने पिछले 4 दिनों में किया है। इस पर आप सभी लोगों के कुछ ऑब्जर्वेशन रहे होंगे, आप सभी लोगों के कुछ जांच में चीजें आई होंगी, तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ चर्चा के लिए। तो जितने साथी के हैंड रेज है, हम लोग एक एक करीब से हम बात करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते भैया। मैं अभी थोड़ा सा कल की जो चर्चा थी उस पे अपनी बात रखना चाहूँगा। कल वो बात रह गई थी। जी कल के लिए जैसे ये चीज़ दिया गया था कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें समय करते हुए भी हम अपने आप को देखें, अपने विचारों को देखें कि हम आराम में हैं या आराम में नहीं है। तो अपने लिए मैं ऐसे देख पाता हूँ कि मैं काम कर रहा होता हूँ, जो भी काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे विचारों पे ध्यान रहता है कि मैं क्या विचार सोच रहा हूँ। और कई बार जो विचार ऐसे होते हैं जो कि विरोध वाले भी चलते हैं, वो वाले विचारों को भी मैं पकड़ पाता हूँ। कई बार वो चलाने से रोक नहीं पाता हूँ, कई बार चलाने से रोक भी लेता हूँ। ऐसा अपने आप में मैंने देखा था। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा भैया, कल एक बात सुबह सत्र में हमारे दो साथी को एक्सप्लोरर जो थे उनकी बात रखी थी, उन्होंने अपने अनुभव की, तो मेरा उस संबंध में कुछ प्रश्न था। वो ये था कि जैसे पहले साथी ने अपने बहू के साथ हुए व्यवहार को शेयर किया था और दूसरे साथी ने बेटे के साथ हुए व्यवहार को शेयर किया था, तो उसमें पहले साथी ने भी यही बताया था कि जो बहू के द्वारा किया गया व्यवहार से मुझे दुख हुआ, और दूसरे साथी ने भी ये बताया था कि बेटे के साथ हुए व्यवहार से मुझे दुख हुआ। तो दोनों में, दोनों ही घटनाओं में दूसरे से अपेक्षित व्यवहार की चाह रही, ऐसा हो, ऐसा ठीक मानते हैं क्या? चाह रही जो नहीं हो पाई। तो लेकिन इसमें आपने जैसे इसको जब डिस्क्राइब किया था तो आपने ये कहा था कि पहले वाले संदर्भ में आपने कहा था कि दूसरे की चाहना पर शंका हुई, इस वजह से दुख हुआ, और दूसरे में आपने इसको इस तरीके से बताया था कि हमें दूसरे में स्वानुशासन नहीं हो तो कम से कम तब तक अनुशासन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये दोनों घटनाओं में कोई अंतर है जिसमें हमने दो अलग अलग क्रियाओं को लिया, या फिर दोनों घटनाएं सेम ही हैं? ये जी मेरा प्रश्न था। दूसरा एक प्रश्न ये था, प्रस्ताव में जैसे आया था कि अगर हम कार्य में कार्य करते हैं तो प्रकृति के साथ करते हैं, व्यवहार करते हैं तो मनुष्य के साथ करते हैं, और कार्य करते समय अगर मैं सुख में होता हूँ तो उभय समृद्धि होती है, और व्यवहार करते समय उभय सुख होता है।
तो इसमें मेरा एक प्रश्न ये था कि जब हम जीने जाते हैं तो कार्य और व्यवहार हम अलग अलग तो नहीं कर रहे होते, हम एक ही समय पे कार्य भी कर रहे होते हैं और व्यवहार भी कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को कोई वस्तु दे रहा हूँ, तो वस्तु देने के समय पे मैं वो वस्तु प्रकृति के साथ किए हुए कार्य से मिली है, और उसके बाद मैं जिस स्वरूप में दे रहा हूँ वो मेरा उस व्यक्ति के साथ व्यवहार है। तो क्या प्यार और व्यवहार एक साथ ही चलेगा हर समय, और अलग अलग भी चल सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न था। पहले प्रश्न का मैं आपके रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर दूसरे प्रश्न को आपको एक बार थोड़ा फिर से रखना पड़ेगा, एक पॉइंट पर मुझे क्लियरिटी चाहिए होगा उसमें। पर पहले प्रश्न को मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, पहले तो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बात तो ठीक है जो ये चर्चा में आपने रखा कि कई बार हमारे परिवार के सदस्य या बहुत सारे साथी या कलीग्स जिनके साथ हमारा जीना है उनसे एक तरह के व्यवहार की अपेक्षा रहती है और वो पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता तो दुखी होते हैं। तो ये दिखता है कई बार कि हमने कुछ अपेक्षा लगा रखा है, वो अपेक्षा ही दुख का कारण है, इसलिए आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो उस दुख से मुक्त हो जाए। मैं ये कह रहा हूं जी कि हम संबंध में जी रहे हैं, परिवार में जी रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी को स्वीकारे ही रहते हैं, तो उसकी अपेक्षा खत्म हो जाएगी, मतलब हमने जिम्मेदारी को स्वीकारना ड्रॉप कर दिया, इससे तो परिवार संबंध व्यवस्था चल नहीं पाता है। जी तो अगर हम आप एक जी रहे हैं साथ में तो आपको हमसे कुछ अपेक्षा रहेगी ही, और मेरे को भी आपसे कुछ अपेक्षा रहेगी ही, उसके बिना जी पाना तो बहुत कठिन है ना। तो जी क्या करें, निष्कर्ष ये नहीं है कि अपेक्षा पूरी दुखी, निष्कर्ष है कि वो अपेक्षा पूरी नहीं होने से हमारा भाव खराब हो गया, उस खराब भाव के कारण दुखी। तो जी दोनों में से क्या निष्कर्ष है वो हम लोगों को तय करना पड़ेगा। पहला निष्कर्ष ये हो सकता है कि हमारे साथी संगी लोगों से जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, हम उसके कारण दुखी हो रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि हमको उससे जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई उससे जो हमारा भाव था उसके प्रति वो बिगड़ गया, विश्वास की जगह अविश्वास भाव आ गया, सम्मान की जगह अपमान का भाव आ गया, तो उसके कारण दुखी हो गया। अभी ज्यादातर समय हम ये निष्कर्ष बना लेते हैं कि अपेक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए दुखी हो गए, इसलिए सारा दोषारोपण दूसरे पे होता है कि वो हमारी अपेक्षाएं पूरी करता रहे तो हम सुखी हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे लगातार आपकी अपेक्षा पूरी करते हैं फिर भी आप सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि उस दौरान आपका भाव किसी और कारण से बिगड़ जाता है। ये दिखता है कि हमारा दुख तो हमारे बिगड़े हुए भाव के कारण है, अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है उसके कारण भाव बिगड़ जा रहा है, ये ठीक। और उसके कारण भी नहीं बिगड़ रहा ठीक से देखेंगे तो, हमने सही जी भाव को नहीं समझा है, और उसको अपने समझ के आधार पर तय करने की जगह अपने भाव को दूसरे के व्यवहार के आधार पर तय करने जा रहे हैं। तो हमारा जो भाव है वो हमारी समझ के आधार पर तय करने के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के किए गए व्यवहार को आधार बनाकर अपना भाव निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए हमारा भाव फ्लक्चुएटिंग हो जा रहा है और हम कभी उससे सुखी हो रहे हैं और कभी दुखी हो रहे हैं। तो जांच कर ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपने भीतर अगर हम ठीक कर सके कि दुख तो हमारा हमारे भाव बिगड़ने के कारण है, ना कि अपेक्षाओं के पूरा ना होने के कारण, तो हम अपने समझ पर ध्यान देते हैं, अपने भाव पर ध्यान देते हैं, दूसरा अपेक्षा पूरा करे तो भी ना करे तो भी हम अपने भाव को ठीक बनाए रखते हैं अपने समझ के आधार पर। पहला काम तो ये हुआ जो अपने भीतर हुआ। अब दूसरा काम भी, अब दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे जी, वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, उससे परिवार में अव्यवस्था हो रही है, कार्यस्थल पे अव्यवस्था हो रही है, समाज में अव्यवस्था हो रही है, हम जब उससे अपेक्षा छोड़ देते हैं मतलब उस आदमी को अपनी जिंदगी से ड्रॉप कर देते हैं, अब हम उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, फिर हम उससे कोई बात करते हैं या कोई की चर्चा नहीं करते, उससे एक दूरी बना लेते हैं अगर अपेक्षा के आधार पर सुख को देख रहे हैं। अगर हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि दुखी होना तो मेरे भाव बिगड़ने के कारण हुआ, तो मैं अपने भाव को ठीक करने का काम शुरू करता हूँ और अपने समझ के आधार पर अपना भाव ठीक करके सुखी हो जाता हूँ, उसके साथ साथ अब ये सोचना शुरू करता हूँ कि अब ये दूसरे आदमी का जो अपने भाव पर ध्यान नहीं है, अपने समझ पर ध्यान नहीं है, अपने में आराम में नहीं है, बेचैन है, इसलिए उसके व्यवहार में इतना रेंडमाइजेशन है, अब इसके साथ जीने का कार्यक्रम कैसे बनाया जाए।
तो जिस भी स्थिति पे है, मनमानी की स्थिति में है, तो हम उसको अनुशासन की जगह लाने का प्रयास करते हैं। अनुशासन की जगह पर है तो स्वानुशासन की जगह पर लाने का प्रयास करते हैं। जब वो स्वानुशासन की जगह पर आ जाता है, अर्थात उसका भाव विचार उसके समझ के आधार पर स्वयं तय करने लग जाता है, खुद में सुखी बना रहता है, फिर वो जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको ध्यान दे पाता है और समय समय पर उसको पूरा कर पाता है। नहीं पूरा कर पाता है तो बता पाता है कि हमारी ये परिस्थिति ऐसे बिगड़ गई थी, इस कारण हम नहीं पूरा कर पाए। फिर ये जो व्यवधान आता है बीच में, मैं और वो दोनों मुक्त होकर जी पाते हैं। तो ये दो बातें थी विकास भैया, ये दोनों बातों को मैंने ध्यान दिलाया था। एक प्रश्न में जो अपने पर काम होना है, और दूसरे प्रश्न जो दूसरे के साथ जीने में प्रोग्राम बनना है, उस पर ध्यान दिलाया था। जरूरी तो दोनों ही है, पहले किस पर काम करें, दूसरे के साथ काम करने पर या अपने भाव को ठीक करने पर। तो मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले अपने भाव को ठीक करने पर काम करूंगा, उसके बाद दूसरे के साथ जीने के कार्यक्रम को तय करूं। जी भैया, इस कारण से हमने ये दोनों उदाहरण रखे थे। इस पर आपका कोई और टेक है? नहीं, ये बात तो आपकी ठीक हो गई है। इसमें बस मैं ये चीज़ जोड़ रहा था कि जैसे अपेक्षित व्यवहार में हमने दूसरे से अपेक्षा रखी है कि वो मेरे भाव, वो मेरे से कुछ प्रकार का व्यवहार करेगा, और उसी में मैंने ये भी अपेक्षा रखी है कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ वो दूसरा वाला भी उसको स्वीकार करेगा। दोनों ही अपेक्षा रखी है। तो अगर मैं अपेक्षा आपको हटा के उसके साथ कार्य करता हूँ तो मेरा व्यवहार अगर वो स्वीकार नहीं करता है, मैं तब भी अपने आराम में बना रहता हूँ, क्योंकि जब वो समझेगा तभी वो स्वीकार करेगा। ऐसा ठीक बात है क्या? बल्कि इसको थोड़ा और इम्प्रूव ढंग से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ उसमें कुछ भाव व्यक्त कर रहा हूँ, तो मेरी अपेक्षा तो है दूसरे से कि वो मेरे जो सही भाव में व्यक्त कर रहा हूँ उसको वो रिसीव कर ले। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी स्पष्टता है कि अगर वो अपने में आराम में है, अपने में सहज है, ध्यान दे रहा है, तो ही रिसीव कर पाएगा। अगर वो अपने में बेचैन है, परेशान है, ध्यान कहीं और है, व्याकुल है, तो मैं सही भाव व्यक्त भी करूंगा तो वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। ये दोनों स्पष्टता है मुझे। तो अगर वो नहीं रिसीव कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसीव करना नहीं चाहता है, चाहता तो है ही, लेकिन वो बेचैन है, व्याकुल है, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं और ध्यान दे रहा है, इसलिए नहीं रिसीव कर पा रहा है। इसलिए अब मैं उसको अपेक्षा रखना छोड़ दूं कि वो रिसीव ही ना करे, या बेचैनी है उसकी जो छटपटाहट है उसमें अगर मैं कुछ सहयोग कर सकूं कि थोड़ा राहत पा जाए, तो धीरे धीरे ध्यान देने लग जाता है। जी भैया, अपेक्षाओं को त्याग कर संबंध में जी पाना संभव है क्या, इसकी जांच की जाए। बल्कि सही अपेक्षा क्या है उसको समझकर, उसको रख कर और उसको पूरा करते हुए और दूसरा पूरा कर सके उसका सहयोग करते हुए जब जीने का सोचते हैं, इसमें हम भी हारमनी में बने रह सकते हैं, दूसरे के हारमनी में आने में सहयोग कर सकते हैं और मिलजुल कर निरंतर सुख की तरफ यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही प्रस्ताव उपलब्ध है, हम अपनी जांच को जारी रखें इन दोनों पे। जी। ये अच्छा भैया, दूसरा प्रश्न मेरा ये था। दूसरे मैं ये भैया, आपने जो प्रस्ताव में ये बात आती है कि जब हम जीने में इसको परखते हैं, जांचने जाते हैं, तो हम कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं, और व्यवहार हम मनुष्य के साथ करते हैं जिसमें कि उभय सुख की उपलब्धि होती है, और कार्य हम प्रकृति के साथ करते हैं जिसमें कि उभय समृद्धि की उपलब्धि होती है। तो मेरा, मैं इस प्रकार से इसको प्रश्न को ये रख रहा था कि कार्य और व्यवहार तो हमारे जीने में एक साथ ही चलते हैं। कभी भी ऐसा मुझे नहीं दिखता कि हम केवल कार्य कर रहे हैं और केवल व्यवहार कर रहे हैं। हर समय हमारे साथ में प्रकृति जुड़ी ही हुई है। तो मैं अगर किसी को कोई वस्तु दे रहा हूँ या उपलब्ध करा रहा हूँ, तो मैं उससे पहले प्रकृति के साथ कुछ कार्य किया हुआ है जिससे वो वस्तु उपलब्ध हुई है, उसके बाद ही मैं उस दूसरे व्यक्ति के पास में वो उसकी उपलब्धता करा पा रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें एक साथ ही तो चलेंगी हर समय। साथ चलेंगी, लेकिन जो भाव वाला पक्ष है एक मनुष्य के संदर्भ में, और उसको जब मनुष्य के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उतना वाले भाग को कह रहे हैं व्यवहार का भाग, और शेष प्रकृति के साथ कुछ श्रम कर रहे हैं, पशु के साथ, पेड़ पौधों के साथ, लोहा मिट्टी पानी के साथ,
उसमें कुछ वस्तु उत्पादित हो रही है तो उसको कार्य कह रहे हैं। और ये बात ठीक ही है, जिस समय हम कार्य कर रहे हैं उस समय दो चार लोग मिलके कर रहे हैं तो व्यवहार भी उनके साथ हो रहा है, कार्य भी हो रहा है। तो हम मिल करके चार लोग किसी शादी विवाह में कार्य कर रहे हैं, किसी और फंक्शन जगह पे कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर व्यवहार कार्य साथ साथ भी चल रहा है। लेकिन ध्यान देंगे तो जो मानव के साथ भाव एक्सचेंज हो रहा है वो व्यवहार का पक्ष है उस समय, और भाव के पक्ष को एक्सचेंज करते हुए दो सभी लोग मिलकर साथ साथ प्रकृति पे भी कार्य कर रहे हैं। तो व्यवहार कार्य दोनों साथ साथ चल रहा है, लेकिन कौन सा हिस्सा व्यवहार का है कौन सा हिस्सा कार्य का है जब देखने जाएंगे तो अलग अलग भी देख पाएंगे, ये बात है भैया। अच्छा जी भैया, कल के सत्र में ना जो डिस्कशन हुई थी उसी के बारे में है कि जैसे हम सब व्यवहार करते हैं किसी से भी, या फिर कोई हमारे प्रति अनुकूल व्यवहार करता है तो हम रिएक्शन मोड में आ जाते हैं। बट जबकि यूएचवी से जुड़ने के बाद मैं जैसे ऑब्जर्वेशन करती हूँ तो समटाइम्स तो मैं देख पाती हूँ कि हाँ सही है सही नहीं है। बट अभी इन दिनों मेरे साथ जो हो रहा है कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझे उस सिचुएशन में लगता है कि मैं उसके प्रभाव में नहीं आ रही हूँ और मैं सही डिसीजन ले रही हूँ। बट होता क्या है कि मैं प्रभाव में आ रही हूँ और मैं डिसीजन भी गलत ले रही हूँ। तो ये जो भ्रम मेरे में जो उस समय रहता है वो मेरे को समझने नहीं देता है, मतलब सही परिस्थिति को। जैसे ह्यूमन कैमरा वाली एक्टिविटी अगर मैं उस टाइम लगाती हूँ देखती हूँ तो भी मैं उसको सही तरीके से नहीं देख पाती हूँ। मुझे लग रहा है, मुझे ये भ्रम लग रहा है कि मैं सही जा रही हूँ, मैं तो ऑब्जर्वेशन में ही हूँ पर बेसिकली मैं 100% ऑब्जर्वेशन में नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से उस स्थिति को डिटैच होकर नहीं देख पा रही हूँ। तो भैया उस स्थिति में क्या करें? और इसका मैंने एक चीज ये भी देखा कि जब मैं आराम में आ रही हूँ ना तब मुझे वो स्थिति पूरी तरह से सही तरीके से दिख रही है, जब मैं आराम में नहीं हूँ तब मैं ऑब्जर्व भी मैं प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ। तो आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक है और आपका अभ्यास भी ठीक दिशा में चल रहा है सीमा दीदी। आपके प्रश्न के संदर्भ में जी मैं ये कहूंगा कि हम लोग दो स्टेप का अभ्यास प्रपोज करते हैं इस सत्र में और वो दोनों जरूरी है। पहला स्टेप ये कि हम घंटे भर का समय तो दिन अपने 24 घंटे में कोई ऐसा निकाले जिसमें हम पूरी तरह से अपने साथ बैठे हैं, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, और उस समय हमारे को कोई डिस्टरबेंस बाहर से भी ना हो, ऐसा कोई कालखंड तय करें, अर्ली मॉर्निंग का कोई हो लेट इवनिंग का कोई हो, जिसमें हम पूरे समय अपने साथ बैठे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, चाहे तो आंखें बंद करके बैठे हैं चाहे खुले रह के बैठे हैं, लेकिन पूरे समय अपने साथ बैठे। एक तो अभ्यास का चरण ये है। दूसरा चरण ये है कि दिन भर जीते हुए जो कर रहे हैं वो दूसरा चरण है। तो दोनों चरणों के अभ्यास को हम लोग प्रपोज करते हैं कि जो पहले चरण का अभ्यास है जिस समय आप पूरे तरह से अपने साथ बैठे हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो दिन भर चलते हुए आप नहीं कर पाते और वो आपके इमेजिनेशन में इकट्ठी हो गई है, उस समय बहुत अच्छे से उन सबकी सफाई हो जाती है, जो सही है उसमें दिख जाता है, हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो बहुत सारा जो हमारा चलते फिरते इन्वॉल्वमेंट के कारण हम उन सब चीजों को सेटल नहीं कर पाते अपने भीतर, वो सब हो जाता है। और जितना जितना ये पहले चरण का काम आप अपने भीतर करती हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर स्थायी तो बढ़ता जा रहा है, हार्मनी बढ़ती जा रही है, आराम बढ़ती जा रही है। तो दिन के बाकी 23 घंटे में भी उस आराम के साथ जब आप जीते हैं तो चीजों को ठीक ठीक ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई बार बाकी 23 घंटे में बाहर के घटनाओं का फ्लो बहुत बढ़ जाता है तो आप उसका और ओवरलोडेड हो जाते हैं, उसमें थोड़ा ये जो 1 घंटे का अभ्यास है उसको थोड़ा बढ़ा लें या थोड़ा और निष्ठा से कर लें किसी छुट्टी वाले दिन या किसी और दिन, तो वो जो एक्सटर्नल बर्डन आप पे बढ़ता जा रहा है उसको आप सेटल कर पाएंगे। शुरुआती ढंग तो ये है, फिर धीरे धीरे अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ती चली जाएगी और हम काम करते हुए भी गहराई से है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए इन्वॉल्व होकर चलते हुए भी गहराई से अभ्यास कर पाएंगे जितनी गहराई से अकेले बैठ के कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो थोड़ा अभ्यास में समय लगता है। अगर वो वहां तक पहुंच गए तब तो फिर चलते फिरते भी जो कुछ भी भाव में व्यतिरेक हो रहा है जिसके कारण हम बेचैन हो रहे हैं
उसको हम चलते फिरते अपने भीतर ठीक कर पाएंगे और चीजों को ठीक ठीक मूल्यांकित कर पाएंगे। फिर एक तीसरी स्थिति आएगी जब हमने सभी सहज स्वीकृत भावों को अपने में समझ लिया है और अपने में पूरी तरह से ठीक कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम हर स्थिति परिस्थिति में अपने में आराम में बने हुए हैं। अब बाहर से चीजें तेज आए, स्लो आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, हमारे अंदर की बेचैनी, आराम जो है बेचैनी में नहीं बदलता। हम हर स्थिति परिस्थिति में आराम में बने रहते हैं और जो भी उचित भाव है, व्यवहार है उस क्षण, कार्य है उस क्षण, उसका सही निर्धारण करके उन लोगों के साथ करते रहते। तो ये तीन चरण का काम है दीदी। पहले चरण पे काम शुरू हो गया है आपका, दूसरे चरण में भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जितनी अभी आपकी योग्यता है उससे तेज फ्लो है अभी दूसरे चरण का। इसलिए पहले चरण को थोड़ा और डेप्थ बढ़ाएंगे तो दूसरे चरण में और स्टेबिलिटी बनेगी और फिर तीसरे, धीरे धीरे तीसरे चरण में हम सब पहुंच पाए। तो भैया कल दिन भर में मैंने ये देखा है कि राइट फ्रॉम मॉर्निंग मैं 1 मिनट में रखता हूँ, 5 AM से जो मैं उठ जाता हूँ तो सुखी होकर ही इंग्लिश सेशन में जुड़ जाता हूँ। फिर इंग्लिश में अगर कभी हैंड रेस किया और समय नहीं मिला, मेरा प्रश्न नहीं ले सके, तो भी मैं व्याकुल ना होते हुए फिर दूसरे में लगा रहता हूँ सुखी होकर ही। फिर मेरा जो प्रोग्राम बनता है दिन भर का, ये मैं अपना पोटेंशियल देखते हुए और वो दिन भर का पर्पस देखते हुए मैं कार्य करता हूँ, और समय को देखते हुए उसी समय सारे काम करने का प्रयास करता हूँ। फिर शाम जब होती है तो मोस्टली अभी UHV के इसमें 2-3 साल से जो लगा हूँ, तो जो मीटिंग होती है इवनिंग, वो अटेंड करके शाम को बराबर 8 बजे तक के, जब तक कोई मीटिंग खत्म नहीं होती, कॉलेज से ही निकलता हूँ। फिर घर आके सही समय खाना खा के 10 बजे सो जाता हूँ। तो भैया इसमें मुझे अनहैप्पीनेस नाम की कहीं चीज दिखती ही नहीं है, तो थोड़ा ये बाकी लोग मुझे बोलते कि तुम्हारा कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा इस पे आप गाइड करेंगे तो अच्छा चलेगा जी, प्लीज। बस इतना ही प्रश्न पूछूंगा कि जब बाकी लोग कहते हैं कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल मेरे भाव नहीं बिगड़ते तो जी अब आपको समाज में और लोग भी आपकी स्थिति तक पहुंचने पहुंच सकें उसमें सहयोग के अर्थ में जिम्मेदारी और भागीदारी को और बढ़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल जी जी भैया, आज ही हम लोग और 9 बजे निकल रहे बहुत हैं सारे जो चैलेंजिंग केसेज हैं, जैसे कॉलेज में जी देखेंगे तो कोई लोग जी ऐसे माने जाते हैं, हर कॉलेज में दो चार लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि ये तो बहुत ही अड़ियल है, किसी की नहीं सुनते हैं, हमेशा दुर्व्यवहार करते रहते हैं। जी आपको भी आराम में लाने की जिम्मेदारी स्वीकार है, तब जी ठीक तरह से अपनी टेस्टिंग हो पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपने आप को अच्छा देख के फायदा नहीं है, जो दूसरा भी है उसको भी थोड़ा सा उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाने में सहायता करे जी भैया, में भी है सहायता ना। करें और थोड़े और चैलेंजिंग केसेस के साथ भी अपने इंटरेक्शन को बढ़ाएं। जो बहुत लोग हैं है ना, जी और लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है, उनके साथ भी कुछ जीने का कार्यक्रम बनाएं और जी समाज जी में और जिम्मेदारी भागीदारी को भी बड़े स्तर पर स्वीकारें, तो ये सब चैलेंजेस खुद ही आने लगते हैं। तो फिर जी हमारे भीतर की ठीक से टेस्टिंग हो पाती है और हम और अच्छी जी दिशा में गहराई से गति कर पाते। जी 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 नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते सभी को, धन्यवाद चांस देने के लिए। नमस्ते भैया। तो मेरा मेरा क्वेश्चन है, पहले जो पहले क्वेश्चन कोई शायद शिखा बहन जी का था, तो उसमें आपने आंसर दिया था कि तीनों चरणों पे काम करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत जी है। आपकी और आवाज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी, आप आ रही है, आ रही है, नहीं मैं फिर से दोहरा हूँ या सुन लिया आपने? आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। तो वो जो तीनों चरणों को पे अच्छे से और काम करने की जरूरत है, तो मैं वो तीनों चरणों के बारे में थोड़ा सा सुनना चाह रहा हूँ। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी वर्तमान में या कहूँ या कुछ समय से मेरे को प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। या तो मैं पास्ट में चला जाता हूँ या फिर फ्यूचर में चला जाता हूँ, और जितना भी मेरा काम है उस पर प्रेजेंट टाइम पे उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। और ये चीज दोनों ही परिस्थितियों में है, जब मैं अकेला हूं तब भी है, और जब मैं ग्रुप के बीच में हूं या अपने कलीग्स के बीच में हूं या फैमिली के बीच में हूं तब भी ऐसा है।
तो इस पे जी थोड़ा सा गाइड करिए। ठीक, तो मैं दोनों मुद्दे पर बहुत शॉर्ट में अभी बात रख देता हूँ क्योंकि समय कम है अपने पास। जी तीन चरण हमने ये कहा था कि पहला चरण तो ये कि हम आधा घंटा एक घंटा पूरी तरह से अपने साथ बैठे, जिसमें कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हमको ना हो और हम पूरी तरह से अपने भाव विचार पर काम करें। दूसरा चरण ये जी कहा था कि चलते फिरते जो भी हम जी रहे जिंदगी उसमें व्यवहार कर रहे हैं वो करते हुए भी अपने भाव विचार पर काम जारी रखें। ये दोनों चरण को करते करते हमारी एक तीसरी स्थिति बनती है कुछ समय में कि जो हमारे सहज स्वीकृत भाव है, जो हमारा स्वभाव है, वो हमारी कल्पनाशीलता में है ना सुनिश्चित हो पाता है, निरंतरता में हम उसको बनाए रख पाते हैं, तो हम अपने में निरंतरता में आराम में बने रह पाते हैं। बाहर की परिस्थितियां और हम उसमें भागीदारी कर पाते जो भी परिस्थिति। तो तीन चरण हुआ था बात, जिसमें शुरू तो पहले चरण से करेंगे तो दूसरे चरण का योग्यता बढ़ेगा, और फिर पहले और दूसरे दोनों पे काम करेंगे तो तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए योग्यता बढ़ेगी। तो धीरे धीरे पहुंचना तो तीसरे चरण में है लेकिन शुरू हम पहले चरण से कर लें। एक तो ये बात हुई थी, और दूसरी बात जो आप अपने संदर्भ में पूछ रहे हैं उसमें तो मैं अभी इतना ही सजेस्ट करूंगा कि ये जो हम लोग इस मॉर्निंग सत्र में अभ्यास करने वाले हैं, अभी उसका बैकग्राउंड पे सारा डिस्कशन चल रहा है और धीरे धीरे आप देख ही रहे होंगे कि ध्यान को होश को अपने पर लाने की ही सारी बातें अलग अलग दिशाओं से हो रही है। तो अगले कुछ दिनों बाद ही हम लोग अभ्यास के कई चरण शुरू करेंगे, तो आप उसमें बने रहें उसको पूरा करें, तो आप जिस बात को कह रहे हैं वो उसमें धीरे धीरे खुद ही सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। इतनी बात। भैया जी नमस्ते और सभी को नमस्ते। तो मैं करीब 1.5 साल से यूएसपी से जुड़ा हूँ और बहुत सारे मैक्सिमम सेशन मैं करते रहता हूँ। उसमें बहुत सारी भूमिका भी रहती है और बहुत सारी जो डिस्कशन होते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो ये सब तो प्रक्रिया है, चलते रहता है, लेकिन व्यवहारिक क्वेश्चन मेरे सामने एक ये है कि हारमोनी में रहना यही सुख है। तो जो समाज में दिखता है वो सुबह से उठ के शाम तक तो डिसहारमोनी है, हम और उसी के साथ हम जी रहे हैं। और दुखी होने का कारण ही वही है कि सुबह से जो लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है वो भी एक तो हमको प्रक्षोभक कर देते हैं या कुछ रिएक्टिविटी दिखाते हैं। और अगर हम हारमोनी में रहना भी चाहे, यानी मैं अगर सोच लिया कि मैं डिस हारमोनी में नहीं रहूंगा और हारमोनी में ही रहूंगा, ये मैंने सोच लिया, तो ये दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना यानी इतना मुश्किल जाता है कि वो तो ये समझना ही नहीं चाहते कि हारमोनी क्या है, सुख क्या है, क्योंकि दूसरों के लिए सुख की परिभाषा ही अलग है। एज के हिसाब से अलग हो गई, उनके स्वभाव के हिसाब से अलग हो गया, और जो बर्ताव करते हैं व्यवहारिक जीवन में उसको भी देखे तो उसके हिसाब से उनकी सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो गई। तो ये समझाना बहुत मुश्किल है। भैया जी मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि इन चीजों को उनके सामने कौन से तरीके से रखा जाए ताकि वो ये चीजें समझ सके। भैया जी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल ठीक पहुंच रहे भैया। तो आपके दूसरे प्रश्न से शुरू जी करता हूँ, दो प्रश्न हैं आपके, जी तो जी भैया जी के लिए भैया जी कैसे रखा जाए और फिर अपने में कैसे बना रहा जाए। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर जी तो बहुत सिंपल है, जिस ढंग से हम लोग रख रहे हैं उसी ढंग से रख लें। 4 महीने के सत्र में हम लोग हर बात को प्रस्ताव के तरह से रख रहे हैं, तो हम जी प्रस्ताव की विधि से रख सकते हैं। दूसरे का ध्यान होगा, ठीक लगेगा तो स्वीकारेगा, नहीं ठीक लगेगा तो रिजेक्ट कर देगा। कुछ दिनों बाद देखेगा स्वीकारेगा। तो हम 100 लोगों के सामने अभी देखेंगे तो 300 लोग जुड़े हैं, 300 लोगों के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, सभी उसको इमीडिएट स्वीकारी ले रहे हैं, जरूरी थोड़े है। और प्रस्ताव में तो स्वतंत्रता है उनकी, भाई आज स्वीकारे आज जांचे, 10 दिन बाद स्वीकारे 10 दिन बाद जांचे, 10 साल बाद जांचे, कई साथी 10 10 साल बाद भी जांचते हैं, अपने लोग तो 15 साल 18 साल से इस काम को देख रहे हैं। तो ये जी स्वतंत्रता तो दूसरे की है। अगर मैं ये निष्कर्ष लेकर बैठ जाऊं कि ये 300 लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं और इसी क्षण मेरे दिए गए प्रस्ताव को जांच कर अपने में लागू करें, तो मैं बहुत व्याकुल हो जाऊंगा और फिर दूसरों को भी व्याकुल करने लगूंगा। इसलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर तो ये है कि प्रस्ताव विधि से रखें, जिसमें लोग अपने अपने ढंग से समय लेते हैं,
कोई 20 साल भी ले लेगा, चलेगा, अभी क्या कर सकते हैं इसके अलावा। लेकिन आपका समस्या ये नहीं, समस्या पहले प्रश्न में, प्रश्न ये अपने से पूछना पड़ेगा कि सुख आपके लिए स्वभाव है या प्रभाव है। जी अगर सुख मेरे स्वभाव है लिए तो आपके स्वभाव है भैया जी, जी, स्वभाव मेरे है लिए तो तो दूसरा स्वभाव है समझे या ना समझे, वैसा जी जिए या ना जिए, उससे आपका सुख अगर प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी प्रभाव हम पर बहुत प्रभावी, और हम जी सुख को प्रभाव में ढूंढ रहे हैं। अगर ये स्पष्ट हो गया है कि सुख मेरे लिए स्वभाव है, तो फिर ये जो प्रभाव से सुखी होने के लिए हमारा अभ्यास बन गया है, हम धीरे धीरे उससे मुक्त होते हैं, और जो हमारे सहज स्वीकृत भाव है उसको समझकर अपने में सुनिश्चित कर अपना सुख का स्रोत तो धीरे धीरे उसको बना लेते हैं। तो हमारा सुख तो उससे सुनिश्चित होता है, दूसरा वैसे जिए तो भी ना जिए तो भी, और जब हम अपने में सुखी बने रहते हैं तो हमको कोई बेचैनी और हड़बड़ाहट भी नहीं होती कि दूसरे सब ठीक जीने लग जाएं और अभी ठीक जीने लग जाएं। हम ये देख पाते हैं कि दूसरे अपने स्वभाव को नहीं देख पा रहे हैं, सहज स्वीकृत भाव को नहीं देख पा रहे हैं, सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेचैन है और बेचैन ही रहेंगे, तो भी बेचैन रहेंगे है ना, और उसको अपने में सुनिश्चित ना कर ले तो उनके दुख का वो कारण है। तो फिर धीरे धीरे जो भी साथी मित्र लोग अभी इस कम से कम कम बेचैन है, थोड़ा एक जगह पर है जो सुन सकते हैं, जी उनके साथ संवाद शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमारी एक टीम बन जाती है, फिर टीम बन के काम शुरू करते हैं तो और ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचा पाते हैं, फिर और ज्यादा लोग आराम में आ पाते हैं, फिर प्रक्रिया चल पड़ती है भैया। जी भैया जी, धन्यवाद भैया। और आज हम लोगों ने सुख और दुख के बारे में जो चर्चाएं की है ना, उस पर आप लोग ध्यान देंगे, और समराइज रूप में सुख और दुख को कहा कि टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी हैप्पीनेस है ना, और अंतर विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना दुख है ना। इसको अपने भीतर ध्यान देने की कोशिश करेंगे है ना, ये आपके लिए सुख यही है या कुछ और है ना, और फिर ये जो अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया गया था कल, इसको आज और ठीक से करने की कोशिश करेंगे है ना, और आज भी एक अभ्यास आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। कल हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये जो सुख के तीन स्रोत है, शरीर से संवेदनाएं पाकर, शरीर के संवेदनाओं के माध्यम से, भाव से, भाव भी स्वयं में भाव सुनिश्चित करके दूसरों से भाव पाकर, और एक तीसरा स्रोत है स्वयं में सही समझ के आना। इन तीनों तरह से जो सुख मिलता है उस सुख की क्या स्थिति रहती है, कौन सा निरंतर हो पाता है, किसमें निरंतरता नहीं है, किसमें निश्चितता है, किसमें निश्चितता नहीं है, कौन सा आवेश है, कौन सा हार्मनी है, इन सारे मुद्दों पर कल बात करेंगे। ये स्लाइड भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन तीनों सोर्सेस को अपने भीतर देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम लोग यही रोकेंगे।